नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में एक जाबाज विजेता और उसकी टीम की तथा जल सैनिक इंद्रजीत की कहानी जो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं और आपको दिखाएंगे भी। जी हाँ, कितना ईमानदार हैं हम अपने सैनिकों के प्रति और उनके परिवारों के प्रति, कितना हम उनको याद रखते हैं, कितना रखा है उनके परिवारों का ख्याल, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए खतरनाक जंग में एक विजेता जो टीम रही थी उसके जल सैनिक इंद्रजीत की कहानी है। उनकी कहानी उनके पार्थिव शरीर की तरह समय के गुमनाम गलियों में मानो खो गई हो। एक गली का नाम उनके नाम पर रखा गया। उनका बोर्ड भी 2 साल बाद गायब हो गया जहाँ पर लगाया गया था। हाँ, परिवार को मिली थी पेंशन जो कि 500 रुपये के लगभग थी और उस समय के नेताओं का एक प्रशंसा पत्र। बस यही कुछ रह गया उनके पीछे। दोस्तों, सुविधाएं मिलना तो दूर की बात है, इस परिवार को पूरी तरह से स्थानांतरित परिस्थितियों की मार भी झेलनी पड़ी। इस परिवार को पूरी तरह से स्थानीय निवासियों ने, आती जाती सरकारों ने भुला दिया। उनकी देशभक्ति, ताकत और जज्बे की कहानी और देशभक्ति का इतना जोरदार बुखार, अगर आप ये कहानी सुनेंगे तो आपके शरीर में भी सिहरन पैदा हो जाएगी। भारत पाक 1971 का जल सैनिक जिसका शव भी उसके परिवार को नसीब नहीं हुआ। परिवार को सुविधाएं क्या मिलनी थी उनके नाम पर रखी गई एक सड़क का नाम जो कि कुछ ही दिनों में वहां पर बोर्ड लगा हुआ था वो भी गायब हो गया। उसकी पारी कहानी हम आपको बताने वाले हैं। जिसे माँ बाप ने भेजा तो ITI में दाखिला लेने के लिए था, लेकिन वो नेवी में भर्ती हो गया। भारत और पाकिस्तान 1971 के युद्ध में 23 साल की उम्र में विजेता टीम का हिस्सा भी बना। जब कराची से जीत का जश्न मना कर के लौट रहे थे तो उसी समय खुखरी को दुश्मन की पनडुब्बी ने ध्वस्त कर दिया। हालांकि विकिपीडिया पर इस युद्ध का पूरा ब्यौरा मौजूद है जिसमें इस जलपोत का जिक्र भी किया गया है। इसमें टोहाना का एक जल सैनिक भी था जिसका नाम था इंद्रजीत। पहले परिवार को सूचना दी गई कि वो इंद्रजीत लापता है। बाद में उसको सूचना मिली, पूरे परिवार को बताया गया कि उसका कहीं अता पता नहीं चला, इसलिए उसके नाम पर शहीदों की लिस्ट में डाल दिया गया। ये परिवार ऐसा बदनसीब रहा कि पार्थिव शरीर भी उनके हिस्से नहीं आया। हालांकि परिवार ने अपना नौजवान बेटा देश की सेवा में लगा दिया। बाद में आने वाली सरकारों ने उनकी याद में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा और एक वहां पर बोर्ड लगाया गया जो 2 साल बाद गायब हो गया। आज कोई नहीं जानता कि सड़क का नाम कभी इंद्रजीत मार्ग रखा गया था। इस शहीद के परिवार को कभी भी विशेष तौर पर किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया और ना ही कोई विशेष सुविधा दी गई। परिवार स्वाभिमान में रहा और उनके बेटे की शहादत का कोई मोल नहीं यह कहकर रह रहकर टीस जरूर उठाते हैं। उन्हें अपने बेटे पर फख्र होता है, मगर उनके मन में भी हो उठता है कि क्या सारी देशभक्ति सैनिकों के लिए, प्रेम दिखाने वाले के लिए होता है? बाद में उन्हें इसी तरह से भुला दिया जाता है, ये सवाल उनके मन में रह रह करके आता है। इंद्रजीत की कहानी उस एक किशोर की तरह है जिसे चाव था कि सेना में भर्ती हो। छोटी उम्र में भर्ती हो गया था, उसे आम बोली में बच्चा फौज कहा जाता था। तकनीकी भाषा में जल सेना बॉय सीमेन कहा जाता है। उसके बड़े भाई गुरमीत सिंह बताते हैं कि इंद्रजीत पर तत्कालीन भारत पाक 1965 युद्ध का पूर्ण प्रभाव था। वहीं से उसमें एक जज्बा उठा था कि वह सेना में जाएगा। वहीं टोहाना में ही एक सरकारी स्कूल में वे पढ़े और शिक्षा ग्रहण की, 10वीं कक्षा की उत्तीर्ण की। उसके जोश और काबिलियत की वजह से उसे देखते हुए उसे कई बार पदोन्नति भी मिली। 1965 के बाद में 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में नौसैनिक पोत में उसे जो टारगेट मिली उसी के तहत उसने पाकिस्तान में कराची बंदरगाह में पहुंच करके पाक की तमाम सप्लाई को काट दिया। उसके बाद सभी नौसैनिक युद्ध पोत NISS खुंगरी में जश्न मनाते हुए वापस आ रहे थे।
कि अचानक दुश्मन की पनडुब्बी ने हमला कर दिया। रूस के मजबूत बने युद्धपोत ने तीन हमले बड़े झेले, पर इस बीच अमेरिकी तकनीकी से बनी हुई पनडुब्बी ने हमला कर उसका जलपोत तीन टुकड़ों में कर दिया। ज्वारभाटा उभार पर था, 350 में से लगभग 66 सैनिकों को ही बचाया जा सका। इंद्रजीत का परिवार उन्हीं बदनसीब परिवारों में शामिल था जिनके बेटों का पार्थिव शरीर आज तक नहीं मिल पाया। अगर तत्कालीन समय की बात करें तो प्रशंसा पत्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मुख्यमंत्री बंसीलाल, सेना के अफसरों द्वारा दिए गए। हालांकि खूब प्रशंसा की गई, टोहाना में एक गली का नाम उनके नाम पर रखा गया, लेकिन धीरे धीरे टोहाना के शासन और प्रशासन ने उसे भुला दिया। गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, कभी भी परिवार को याद नहीं किया गया। मदद की तो बात छोड़ दें। गुरमीत सिंह सवाल उठाते हैं कि जो कौम शहीदों को भुला देती है, आने वाला इतिहास उसे भुला देता है। आती जाती सरकारों को, लोगों को, सैनिकों के परिवारों की मदद करनी चाहिए। केवल नारों और मंचीय भाषणों से कुछ नहीं होने वाला। ये थी एक जाबांज और शहीद की कहानी जो हमारे देश के नाम पर शहीद हो गया, जिसे मातृभूमि और सेना के हर काम से लगाव था, वो अपने देश के लिए मर मिटा। हमें अपने शहीदों को याद करना चाहिए। हम ये कहानी आपको इसलिए बता रहे हैं कि प्रशासन जागे और उन शहीदों को समय समय पर याद जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। जहां तक सरकारी की कोई सहूलियत है तो सिर्फ पेंशन ही जो है मदर तक मिल पाई, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली जो आगे जाके, मतलब अगर भाई जीता होता तो जरूर परिवार की मदद करता, उन्हें उठाने की मदद करता, लेकिन अल्टीमेट डेथ होने की वजह से कुछ भी नहीं मिला। तो उनके नाम पे कुछ, उनके नाम से जो है एक नगर पालिका द्वारा एक गली का नाम, उनके नाम इंद्रजीत सिंह रोड रखा गया। तो शुरू शुरू के अंदर जब जोश था तो उसकी जो है ना बोर्ड वगैरह लगाए गए चंडीगढ़ रोड पे भी और मार्केट के अंदर भी, तो दो चार सालों में उठ गया। उसके बाद ना किसी ने पूछा, ना सड़क का पता किसी को, आगे तो आने को ही नहीं पता कि आपका शहीद कौन सा था नेवी के अंदर। तो आप महसूस करते हैं कि लोग ध्यान नहीं रखते, भूल जाते हैं शहीद? बिल्कुल, ख्याल शहीदों के बगैर तो कुछ भी नहीं है। शहीद जान होती है देश की, और शहीदों का अगर जो भूल जाता है तो वे फिर ज्यादा देर आजाद नहीं रह पाते, गुलाम हो जाते हैं। तो इस बारे में क्या सोचते हैं अभी, सरकार ने क्या किया? और सरकार को जी जान से मदद करनी चाहिए उस परिवार की, मतलब जब तक उनको जरूरत है। लेकिन यहाँ मतलब कुछ भी नहीं था, कोई मदद नाम की चीज नहीं थी। आपने कभी मदद के लिए कुछ कहा, कोई और बात कही? नहीं, हमने नहीं कहा। हमारा तो बेटा था तो वो चला गया, तो हमने तो मतलब लेना ही नहीं था। जी हमारा परिवार भी थोड़ा सा ठीक ठीक था तो हमें गुजारा चल जाता था बड़ा बढ़िया। पर आपको लगता है कि परिवार की मदद कम से कम और परिवारों में? हाँ, जो अब वो तो कुआरा था, पीछे कोई परिवार नहीं था, और दो महीने बाद उसकी शादी भी होने वाली थी बठिंडा के अंदर। हमने उसके लिए लड़की देखी थी, लेकिन चलो देश के साथ वो शहीद हो गया तो उसका ब्याह वहीं हो गया। आजकल युद्ध के समय में लोग काफी शहीदों की बात करते हैं, पुलिस फौजियों की बातचीत करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि समय अनुसार बातचीत होती है, बाद में लोग भूल जाते हैं? वही बात है, अभी ताजी ताजी घटनाएं याद रहती है, जोश भी आता है, सारी चीज है, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज गुम हो जाती है समाज में से। समाज को उनके नाम से कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वह चंद परिवार ही होते हैं जिसमें से फौज में जाते हैं, तो ज्यादा जाते नहीं, इसलिए उनको उसका पता ही नहीं है भी इनकी क्या खासियत है, क्या है फौज के अंदर, कितना सुख मिलता है, कितना दुख मिलता है, क्या चीज है। बड़ी स्ट्रगल वाली नौकरी है वो, लेकिन हमें तो आजादी ली है तो आजादी रखनी है, तो उसके लिए शहीद तो होना ही पड़ेगा। कि हमारा तो चलो शहीद हो गया, लेकिन
जहां तक सरकारों की बात है, सरकारों को चाहिए कि शहीद परिवार के साथ जुड़े रहें। कभी कोई ऐसी जरूरत या कोई खास बात होती है तो उनकी मदद की जा सके। जनता को भी चाहिए भी आगे बढ़ के उनके साथ मिले जुले और हर कठिनाई का मिलकर सामना करें, तो इसे शहीदों का और बढ़ता है, जोश आता है और बढ़ता है। तो मेरे को इसीलिए नहीं, मैं फौज में जा पाया कि शहीद हो गया, नहीं तो मैं भी फौज में जाता। मैंने सारी ट्रेनिंग एनसीसी वगैरह अटैचमेंट सभी की थी, इसीलिए की थी भी कल को मिलिट्री में जाना है। लेकिन चलो, एक बारी दे दिए, कभी जरूरत पड़ी देश को तो मैं तैयार हूं।